हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम मानव मर्यादा में बंधे हैं और आपको भी उस मर्यादा में ही रहना चाहिए। फिर समुद्र देव, प्रभु श्री राम की सहायता कौन करेगा? देवी वैष्णवी। परंतु देवी वैष्णवी भी तो मानव मर्यादाओं से बंधी हुई है। परंतु माता वैष्णवी के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं है, उनकी शक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। वो जन्म लेने से पहले तथा जन्म लेने के पश्चात भी अपनी लीला दिखाती रही है। वो प्रभु की शक्ति है। वही प्रभु को वानर सेना सहित क्षत योजन पार लंका ले जा सकती है। हे समुद्र राज, ये मैं कैसे भूल गया कि हमारी नैया माता वैष्णवी भी पार करा सकती है। समुद्र राज, मुझे क्षमा कर, मैंने भावनाओं के अधीन होकर आपका अपमान करने की धृष्टता दिखाई थी। मुझे क्षमा करें समुद्र देव। नहीं पवन पुत्र, आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया है। मैं भी तो प्रभु श्री राम को लंका में प्रवेश करते हुए देखने के लिए अति उत्सुक हूं। अब आप विलंब ना करें। माता वैष्णवी आपको अवश्य कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगी, जिस मार्ग से आप सभी प्रभु समेत लंका जा सकेंगे। जय श्री राम। प्रणाम मैया। कल्याण मस्तु। हे पवन पुत्र, बड़े ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी कौन सी चिंता ने आप जैसा ही रौद्र रूप धारण कर लिया है? मैया, आप तो जानती हैं कि सीता मैया को अधर्मी रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम लंका जाना चाहते हैं। हाँ। परंतु मैया, प्रभु श्री राम शतयोजन समुद्र कैसे पार करें, यही चिंता है मेरे लिए।